गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू अवर चैप्टर फाइनल अकाउंट। कम टू टेक्स्ट बुक पेज नंबर 296, इलास्ट्रेशन 6। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2018 द बुक्स ऑफ अभय। सो सेम वी हैव टू प्रिपेयर फर्स्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नेक्स्ट बैलेंस शीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल मार्क विच पॉइंट विल गो वेयर, तो मार्किंग कर लेते हैं। कैपिटल, liability, furniture, assets, insurance, profit and loss, salary, profit and loss, carriage inward, trading, rent, profit and loss, machinery, assets, wages, trading account, drawing, liability, carriage outward, profit and loss, purchase, trading, stock, trading, return, trading, rent received, profit and loss, discount received, profit and loss. Now next page, RDD, profit and loss, bad debts, profit and loss, advertisement, profit and loss, debtors, assets, creditors, liability, bill receivable, assets, cash assets, 6% bank loan liability, और इसके ब्रैकेट में डेट है, मतलब हिडन एडजस्टमेंट है। ब्रोकरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, लूज टूल्स, एसेट्स, बिल्स पेबल लाइबिलिटी और गुडविल एसेट्स। अब हमारे यहाँ एडजस्टमेंट्स मार्क कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट सॉल्व होगा, RDD सो सन्ड्री डेटर्स के सामने लिखेंगे हम लोग 2। वेजेस एंड सैलरी पेन आउटस्टैंडिंग है, सो वेजेस के सामने लिखेंगे 3, वेजेस के सामने लिखेंगे 3, और सैलरी जहाँ है उसके भी सामने लिखेंगे हम लोग 3, सैलरी के भी सामने लिखेंगे 3। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी और फर्नीचर, ऐसी हमारी फोर्थ एडजस्टमेंट, यू कैन चेक, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% एंड फर्नीचर 5%, सो मशीनरी और फर्नीचर के सामने लिखेंगे 4। सो चेक द टेक्स्ट बुक, मशीनरी फोर्थ एडजस्टमेंट और फर्नीचर भी फोर्थ एडजस्टमेंट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो कैपिटल के सामने लिखो 5। प्रीपेड इंश्योरेंस, सो इंश्योरेंस के सामने लिखेंगे, इन फ्रंट ऑफ इंश्योरेंस राइट 6। तो दिस आर ओवरऑल अवर एडजस्टमेंट्स, इसके दो दो इफेक्ट्स होंगे, बाकी सारे पॉइंट्स डायरेक्टली हम लोग पोस्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अमाउंट 31,000 ओपनिंग स्टॉक। आफ्टर दैट टू परचेस, परचेस माइनस परचेस रिटर्न, सो परचेस अमाउंट इज 62,000 लेस रिटर्न। चेक द प्रॉफिट, सो रिटर्न वी हैव टू टेक ऑफ क्रेडिट साइड 6,300 एंड 5,000, सो परचेस वाला रिटर्न जो होता है वो हमें मिलेगा क्रेडिट में, और सेल्स रिटर्न जो है वो हमें मिलेगा डेबिट में। तो हम लोग परचेस रिटर्न कितना माइनस करेंगे, 6,300, 55,700 आउटर में आंसर, और फिर सेल्स लो क्रेडिट में बाय सेल्स लेस सेल्स रिटर्न 5,000, तो माइनस करके 1,66,000। फिर उसके बाद अपने ट्रेडिंग के पॉइंट्स लिखेंगे, एक एक वेजेस 8,000, उस पर आउटस्टैंडिंग है आप चेक कर सकते हो, एडजस्टमेंट नंबर 3 आउटस्टैंडिंग ऐड करो, टोटल 11,000। सेकेंड इफेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग विल गो इन बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000। हम डायरेक्टली आउटर में भी ले सकते हैं, टेक्स्ट बुक में किया है, वैसे आप दिखा सकते हो दोनों सैलरी और वेजेस का। फिर उसके बाद कैरेज इनवर्ड लिखेंगे 1,000 एंड वन मोर एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक 37 एंड 40,000। तो 37,000 कम है और 40,000 ज़्यादा है, सो व्हाट इज़ द रूल, विच एवर इज़ लोअर, सो व्हाट इज़ द लोअर अमाउंट 37,000 वो लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक 37,000। सो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक भी हो गया कंप्लीट। अब हम बैलेंस शीट के एसेट्स में भी लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक 37,000। फाइनली अब ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करो, क्रेडिट की टोटल 2,03,000, डेबिट माइनस करो, तो डेबिट की टोटल कम है, क्रेडिट की टोटल ज़्यादा है, सो क्रेडिट इज़ ग्रेटर देन डेबिट, मीन्स इट्स ग्रॉस प्रॉफिट, सो यू विल गेट 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 1,04,300। अब उसको प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ब्रॉड डाउन करो, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन 1,04,300। नाउ विल स्टार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहला पॉइंट हम लिखेंगे, क्वेश्चन में से देख लो, स्टार्टिंग से ही जाना है, सैलरी इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पे भी एडजस्टमेंट है और सैलरी पे भी एडजस्टमेंट है। अगर आप पहला इंश्योरेंस करना चाहते हैं सॉल्व, तो लिखो 2 इंश्योरेंस 10,000 लेस प्रीपेड 2,000, आंसर आया 8,000। दूसरा इफेक्ट प्रीपेड का, बैलेंस शीट के एसेट्स में प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000। उसके बाद वैसे ही सैलरी पे आउटस्टैंडिंग है, तो लिखो डेबिट में 2 सैलरी 17,000, आयर आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,600, टोटल 20,600। सेकेंड इफेक्ट ऑफ सैलरी विल गो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,600। सो सैलरी एंड इंश्योरेंस वी कंप्लीटेड। अगेन कम टू क्वेश्चन, सैलरी एंड इंश्योरेंस कंप्लीटेड, नेक्स्ट इज रेंट, रेट्स एंड टैक्स।
अगर उस पर एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट लिखेंगे रेंट रेट रेंट टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। उसके बाद और कोई पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस का रेंट रिसीव्ड और डिस्काउंट रिसीव्ड प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखो। एडवर्टाइजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखो। आरडीडी और बैड डेब्ट्स उसके साथ एडजस्टमेंट है, पहले लिखेंगे हम सन्ड्री डेटर्स एसेट्स में 90,000, उस पर आरडीडी निकालो 5% माइनस करो 4,500 आएगा, माइनस करके आंसर 85,500। अब हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, पहले लिखेंगे बैड डेब्ट, जो क्वेश्चन में बैड डेब्ट है वो लिखेंगे 2,000, उसमें न्यू आरडीडी अभी जो हमने सॉल्व किया वो ऐड करेंगे, ऐड न्यू आरडीडी इज 4,500। ओल्ड आरडीडी क्वेश्चन में आपको क्रेडिट में मिलेगा, चेक करो क्वेश्चन में आरडीडी आया 5,000। हाँ सब टोटल लो, पहले 2,000 प्लस 4,500 इज 6,500, 6,500 माइनस 5,000 विल बी 1,500। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस हो गया, रेंट हो गया, कैरेज आउटवर लिखना है, एडवर्टाइजमेंट ब्रोकरेज जो पॉइंट्स पे एडजस्टमेंट नहीं है डायरेक्टली एज इट इज हमें अमाउंट के आउटर कॉमन लिखना है। अब हमारे पास डेप्रिसिएशन है मशीनरी पे और फर्नीचर पे, सो मशीनरी की वैल्यू लो, एसेट्स मशीनरी जो एसेट्स सो राइट इन एसेट्स मशीनरी 50,000 लेस डेप्रिसिएशन 10% विल बी 5,000, आंसर आया 45। फर्नीचर पे भी 40,000 डेप्रिसिएशन निकालना है 5%, तो 40 माइनस 2 इज 38। अब दोनों डेप्रिसिएशन का इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में दो, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, टोटल आउटर में 7,000। फिर और कोई पॉइंट्स प्रॉफिट एंड लॉस में जो बाकी है वो सब लिख, प्रॉफिट एंड लॉस की सारी पोस्टिंग तो हो गई बट एडजस्टमेंट्स में से बाकी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है 4/5 एडजस्टमेंट 5%, तो सबसे पहले कैपिटल लिखो 2,28,000, लायबिलिटी में उस पर इंटरेस्ट निकालो 5%, सो आया 11,500। उसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 11,400। उसके बाद बैंक लोन पे हिडन एडजस्टमेंट है, तो लायबिलिटी में लिखेंगे इनसाइड कॉलम में बैंक लोन 6%, बैंक लोन 50,000, एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अभी देखो लोन के ब्रैकेट में डेट है, यू कैन रेफर अक्टूबर, सो अक्टूबर से मार्च कितने मंथ्स होंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 months का इंटरेस्ट सॉल्व करो। सो लोन के अमाउंट लेना है 50,000, उसका 6% 6 months 50,000 कैसे सॉल्व होगा, 50,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12 20 कट, यहाँ से भी 20 कट, 6 के टेबल में 12 आते हैं 2 से, 2 के टेबल में 6 आते हैं 3 से, तो 5 × 3 = 15, सो आंसर आया 1,500। इंटरेस्ट ऐड करेंगे लोन पे, बैंक लोन में इंटरेस्ट ऐड करो, आउटस्टैंडिंग 51,500 आया। दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखो टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 1,500। सो इस समय हमने दो इंटरेस्ट के एडजस्टमेंट सीखी, दैट इज़ फन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया तो कैपिटल में ऐड करने का, प्रॉफिट एंड लॉस में लिखने का। इंटरेस्ट ऑन लोन एडजस्टमेंट में नहीं था बट ब्रैकेट में मीन्स हिडन एडजस्टमेंट, इसलिए उसके भी दो इफेक्ट्स होंगे, लोन में भी आउटस्टैंडिंग ऐड होगा और प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा। अब हमारे ओवरऑल सारे एडजस्टमेंट्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक तो एसेट्स में लिखना ही है बैलेंस शीट के, प्रॉफिट एंड लॉस को क्लोज करेंगे, क्रेडिट की टोटल 1,12,000, डेबिट अगर आप माइनस करेंगे तो आपको आंसर आएगा डेबिट में नेट प्रॉफिट 34,500। अब वो नेट प्रॉफिट हम लोग ऐड करेंगे कैपिटल के अंदर, जो इंटरेस्ट ऐड करके अमाउंट थी उसमें नेट प्रॉफिट ऐड करो तो 273,900 आएगा, उस पर ड्रॉइंग माइनस करेंगे 14 और फिर आउटर में आएगा 2,59,500। उसके बाद क्रेडिटर्स एज इट इज़ आएगा, बिल्स पेबल एज इट इज़ आएगा लायबिलिटी में, और एसेट्स में हमारे पास कैश है, लूज टूल है, गुडविल है, ये सब पॉइंट्स एसेट्स में डायरेक्ट एज इट इज़ आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक हमने पहले लिख दिया, बिल रिसीवेबल है। अब हमारी फाइनली टोटल लेना है आपको, लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड विल गेट टैली बाय अमाउंट 3,88,000। सो यहाँ पे अपना फाइनल अकाउंट टैली हो गया। सो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझा होगा, सो नेक्स्ट लेक्चर विल मीट विद नेक्स्ट प्रॉब्लम, टिल दैट टाइम वर्क हार्ड एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।